हे hey गाइस कैसे हो आप सब आई होप आप सब गुड और हेल्दी होंगे आम योर नेहान वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी नेहू विच इज ऑल अबाउट ब्यूटी मेकअप स्टैल्ड स्किन केयर सो गाइस हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि फेस के कंपैरिजन ज़्यादा डार्क होते हैं एल्बो या फिर कोहनी जिसे हम बोलते हैं उनमें से एक है जो कि डार्क होने की वजह से खराब लगते हैं वैसे ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और इसे ईजिली क्लीन भी किया जा सकता है क्योंकि ज़्यादातर ये टैनिंग या फिर डेड स्किन की वजह से होता है क्योंकि जब भी ब्यूटी की बात आती है हम सारे इंपॉर्टेंस अपने फेस को देते हैं और इस रिलेटेड छोटी से छोटी प्रॉब्लम को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं लेकिन बॉडी uh, के बाकी पार्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा फेस तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी काली कोहनी को, को अपने फेस की जितना गोरा कर सकते हो तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है देन ऑल्सो लाइक दिस वीडियो और अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो देन यू कैन फॉलो मी ऑन स्टा माइ इंटा डिस्ट्रिकी ने हूं सो नाउ विदाउट फर्दर डिले मूव ऑन टू वीडियो ज़्यादातर डार्क एल्बो हमारी ड्राई स्किन की वजह से होता है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ नींबू के रस को यूज़ कर सकते हो नींबू के रस में एक ग्रेट एक्सफोलिएटर होता है तो आपको एक नींबू लेना है उसे हाफ कट करना है और उसे अपनी कोहनी में रगड़ना है आप चाहो तो एक ऑलरेडी यूज नींबू को भी यूज़ कर सकते हो उसे आपको अपनी कोहनी में रगड़ना है और उसके बाद आपको नहा लेना है नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि नींबू का छिलका ले लो और उसे आपको सूखाना है और सूखने के बाद उसका पाउडर बना लेना है और उसमें आपको शहद मिक्स करना है और फिर आपको अपने डार्क एरिया में उसे अप्लाई करना है दो तीन मिनट तक रखना है एंड देन आपको उसे वॉश कर लेना है नेक्स्ट आप एलोवेरा अप्लाई कर सकते हो ये भी आपकी डार्क स्किन को लाइट करने में हेल्प करती है और 2012 हज़ार की एक स्टडी ने भी प्रूफ किया है कि एलोवेरा कैन लाइट इन योर स्किन सो so, क्या करना है आपको आप अगर घर में आपके एलोवेरा है तो उसे कट करना है अंदर का जो जल है उसे आपको अप्लाई करना है अगर आपके घर में एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट से भी एलोवेरा जेल ले सकते हो और उसे आपको अपने यू you नो know, डार्क एरिया पर अप्लाई करना है दिन में दो बार नेक्स्ट आप कॉफी को भी यूज़ कर सकते हो आपको क्या करना है दो टेबल स्पून कॉफ़ी लेना है और एक टेबल स्पून कोकोनट ऑयल इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है इसका एक थिक पेस्ट बनाना है और आपके डार्क एरिया में डार्क एल्बो में आपको इसे अप्लाई करना है दस पंद्रह मिनट इसे आपको रखना है देन आपको इसे क्लीन कर देना है वॉश कर देना है ठंडे पानी से नेक्स्ट आप टमाटर यूज़ कर सकते हो टमाटो इज़ बेस्ट फॉर टैन रिमूवर तो आपको क्या करना है एक टमाटो कट करना है और इसे अपने डार्क एरिया पे रब करना है आप चाहो तो टमाटर आधा कट करने के बाद उसका यू you नो know, जूस आप निकाल सकते हो और उसे भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने डार्क एरिया में और उसके बाद आपको इसको ड्राई होने के लिए रखना है देन आपको इसे क्लीन कर देना है नेक्स्ट आप पोटैटो यूज़ कर सकते हो क्योंकि आलू में एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपकी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन को यूनो लाइट कर सकता है तो आपको एक छोटा सा आलू लेना है उसका बहुत ही पतला सा स्लाइस निकालना है और उसे आपको अपने डार्क एरिया में रब करना है आप पोटैटो का जूस भी निकाल सकते हो और उसे भी अपने डार्क एल्बो में अप्लाई कर सकते हो उसे फिर सूखने दो एंड देन आप पानी से धो लो और लास्ट आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो ऑलिव ऑयल आपकी स्किन पर मॉइस्चराइजर का वर्क करेगी तो नॉर्मली आपको सोने से पहले अपने डार्क एल्बो पर ऑलिव ऑयल लगाना है एंड देन आपको सो जाना है इसे आपको रब करने या फिर किसी भी तरह की मसाज करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट डे आपको नहा लेना है आप चाहो तो ऑलिव ऑयल में शुगर भी ऐड कर सकते हो उसका थिक पेस्ट बना सकते हो और इसे आप अपने डार्क एल्बो पर अप्लाई कर सकते हो सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि नेक्स्ट आपको स्किन रिलेटेड कोई अगर वीडियो चाहिए हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाय।